रियलिटी शो बिग बॉस में आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि कंटेस्टेंट गुस्से में सामने वाले कंटेस्टेंट पर इस कदर हमला करते हैं कि उनकी जान को खतरा हो जाता है। जी हाँ, कभी कभी कंटेस्टेंट अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर वो बिग बॉस के नियमों को एक साइड में रख कर तोड़फोड़ मचा देते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ विकास गुप्ता और दयावलीना के साथ देखने को मिला। विकास गुप्ता ने जो हरकत अर्शी के साथ की थी वही दयावलीना के साथ की। जी हाँ, विकास ने दयावलीना को पूल में फेंक दिया। दयावलीना चीखती रही, वो नीचे तक गिर जाती हैं। उसके बाद भी विकास उन्हें उठाकर पूल के पास ले जाते हैं और फिर जब दयावलीना खुद से पूल में जाती हैं तो विकास पीछे से उन्हें पुश कर देते हैं। हालांकि दयावलीना और विकास के बीच में ये सब मौज मस्ती में ही हो रहा था, लेकिन विकास ने जिस तरह से दयावलीना को पकड़कर पूल में फेंका वो देखकर कोई यकीन नहीं कर रहा कि विकास ने ये सब मस्ती में किया। दयावलीना के चेहरे के एक्सप्रेशन भी साफ बता रहे हैं कि वो उस टाइम अपने आप को बहुत रोक रही थी, लेकिन विकास उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। उनके पास गार्डन एरिया में खड़े बाकी सब कंटेस्टेंट भी हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि विकास गुप्ता इससे पहले अर्शी पर ऐसा ही अपना गुस्सा उतार चुके हैं। उन्होंने अर्शी को भी पूल में फेंक दिया था। विकास ने अर्शी को चोट पहुंचाने के लिए ये सब तब किया जब अर्शी पूल के पास खड़ी होकर उनसे मुंहजोरी कर रही थी। तभी विकास को गुस्सा आता है और वो अर्शी को धड़ाम से पूल में नीचे फेंक देते हैं। उस वक्त अर्शी को चोट भी लग जाती है और विकास की इस हरकत की वजह से उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाता है। उन्हें तुरंत बेघर कर दिया जाता है क्योंकि अर्शी को उल्टी तरफ से फेंका गया। वो पूल की तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी और तभी विकास ने उन्हें गंदी तरह से धक्का दिया। उस दिन बड़ा हादसा भी हो सकता था। खैर, अर्शी ने स्विमिंग करके खुद को बचा लिया, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। बिग बॉस के सभी शौकीनों को पता चल गया होगा कि इस सीजन में अब तक का सबसे बदतमीज और घटिया कंटेस्टेंट कौन है। जी हाँ, हम निकी तंबोली की बात कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि बिग बॉस के घर में आई मीडिया ने भी निक्की तंबोली को घटिया और बदतमीज का टैग दे दिया है। पहले तो घर वालों ने दिया और अब मीडिया ने भी निक्की को सबसे ज्यादा घटिया औरत बता दिया। उनके अंदर बिल्कुल भी स्टार बनने की काबिलियत नहीं है। भले ही वो शब्दों से एक्ट्रेस कहलाती हूँ, लेकिन रियल में वो बदतमीज लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखती हैं, अपना ही भला सोचती हैं। शायद इसलिए डे वन से ही निक्की का कोई दोस्त नहीं है। बाहर भी उनका यही हाल होगा। निक्की की इन हरकतों से एक रिपोर्टर तो इतना परेशान हो गया कि उसने खुद बिग बॉस के घर में जाकर निक्की पर सीधा हमला बोल दिया। निक्की की हालत खराब हो गई, चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, पसीना छूटने लगा और तो और वो कुर्सी छोड़कर भागती नजर आईं। इतना ही नहीं, लोगों ने उन्हें पागल लड़की बता दिया। उसके बाद तो कुछ रिपोर्टर्स ये तक कहते दिखे कि इन्हें पागलखाने जाने की जरूरत है, बिग बॉस से इन्हें जल्दी निकालो। जी हाँ, एक रिपोर्टर ने निक्की को साफ साफ कह दिया कि तुम सच में बिन पेंदी का लोटा हो जो पल भर में इधर और दूसरे पल में उधर हो जाती हो और इस वक्त तो तुम रुवीना की कठपुतली हो। एक रिपोर्टर ने ये तक कह दिया कि शायद आपको बदतमीजी का टैग सही मिला और अभी तक आप ये टैग पर कोई काम नहीं कर रही हो, अभी भी आप बदतमीजी हो और घर वालों के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो, इसलिए आप यहाँ भी मीडिया के सामने बदतमीजी कर रही हो और इस वक्त तुम रुवीना की कठपुतली बिल्कुल सही हो। रिपोर्टर के इन शब्दों से निक्की का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो रिपोर्टर पर चढ़ बैठी और उनसे कहने लगी कि तुम्हें इसलिए बिग बॉस ने बुलाया, तुम रिपोर्टर के लायक नहीं हो। रिपोर्टर और निक्की की तीखी बहस होती रही। इतना ही नहीं, रिपोर्टर ने साफ कह दिया कि जब आप यहाँ अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही हो तो बाहर लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा, आपको पता चल गया होगा। निक्की ये बात सुनते ही कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, निक्की तो दयावलीना से भी लड़ बैठी, उन्हें भी उल्टा सीधा बोलती हैं, क्योंकि हाल ही में निक्की और दयावलीना की गंदी वाली लड़ाई हुई थी और ये बहस मीडिया के सामने भी देखने को मिली। निक्की की बदतमीजी साफ साफ देखी गई। सलमान भी निक्की की बदतमीजी को लेकर कई बार कह चुके हैं, लेकिन निक्की सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। अब आने वाले एपिसोड में सलमान भी निक्की की दोबारा इस बदतमीजी पर क्लास लगाने वाले हैं। वैसे आपको निक्की का बर्ताव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वो सच में बदतमीज है या फिर घर वालों के टॉर्चर ने निक्की को ऐसा बना दिया।
देवलीना भट्टाचार्य बिग बॉस 14 में डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। निक्की तंबोली ने देवलीना को पैर छूने पर मजबूर कर दिया, उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, निक्की ने देवलीना को इस कदर टॉर्चर किया कि वो बाहर निकलने की विनती करती दिखी, लेकिन जब अर्शी राहुल विकास ने उन्हें समझाया तो वो फिर उठी और निक्की को उन्हीं के तरीके से सही जवाब देती दिखी। निक्की और देवलीना की गंदी वाली लड़ाई आपने भी देखी होगी और उस लड़ाई का असर देवलीना के दिमाग पर भी पड़ा। देवलीना बुरी तरह रोती दिखी। इतना ही नहीं, बिग बॉस के घर में आई मीडिया के सामने देवलीना और निक्की गंदी वाली लड़ाई करती दिखी। इस लड़ाई ने पहले देवलीना को तोड़कर रख दिया, उसके बाद उन्हें इतना मजबूत कर दिया कि वो एक घंटे तक निक्की के ड्रामे सहती रही और निक्की को सही सही मजा चखा दिया। लेकिन ये मजा देवलीना की जान पर भारी पड़ सकता था, क्योंकि इस बार देवलीना ने निक्की को किलसवाने के लिए पानी डालने की प्लानिंग बना ली थी। उसके बाद निक्की ने देवलीना को चोट पहुंचाने के लिए चाकू हाथ में ले लिया। जी हाँ, दोनों कंटेस्टेंट की लड़ाई देखने वाली थी। जी हाँ, मीडिया से बात करके निक्की और देवलीना जब घर में एंट्री करती हैं, तो निक्की देवलीना के पास बात करने के लिए जाती हैं। निक्की कहती है कि देवलीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देवलीना उन्हें नजरअंदाज करती है और कहती है कि मुझे तेरे से बात करने का टाइम नहीं है। निक्की जबरदस्ती उनके सामने बोलने लगती हैं और चीखती रहती हैं कि तेरी यही औकात है। देवलीना उनकी हंसी बनाते हुए कहती हैं कि वाह वाह वाह, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। निक्की खूब चिढ़ती हैं और वो गुस्सा भी हो जाती हैं। उसके बाद देवलीना अपना चर्चित सीरियल गोपी बहू के किरदार में आकर निक्की को किलसाती हैं। उसके बाद निक्की देवलीना के हाथ का पानी वाला मग लेकर फेंक देती हैं और जब उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो वो अंदर से चाकू लेकर देवलीना के पास दौड़ती हैं। निक्की का गुस्सा तो इस कदर था कि वो देवलीना के चाकू मार देंगी, लेकिन विकास और अली ने निक्की के हाथ से समय रहते चाकू लेकर फेंक दिया, वरना निक्की जिस तरह से बिग बॉस का गेट झटके से खोलकर देवलीना की तरफ दौड़ी थी, उसका इरादा देवलीना को चोट पहुंचाने का था। खैर, बिग बॉस में हाथापाई करना बिल्कुल मना है, लेकिन निक्की के घटिया इरादे कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी निक्की अपनी गंदी आवाज को लेकर चर्चा में रहती हैं। वो अब तक कई कंटेस्टेंट को गंदी गालियां सुना चुकी हैं। इस बार निक्की देवलीना से भिड़ी, लेकिन देवलीना ने उन्हें उनके हिसाब से मजा चखा दिया। वैसे आपको देवलीना और निक्की में कौन सबसे ज्यादा पसंद है, कॉमेंट करके जरूर बताएं।